दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाइट स्नेक फिल्म को। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 7/10। कहानी की शुरुआत में हम एक व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो कि एक सुंदर लड़की बन जाती है। इसका नाम पिंकी होता है। पिंकी एक सपना देख रही होती है जिसमें उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर काले जादू की रस्सियाँ उसे पकड़ करके खींचने लगती हैं, जिसके बाद पिंकी उन रस्सियों पर अटैक करती है। लेकिन ये एक सपना होता है। तभी वहाँ पर पिंकी की बहन चिंकी आ जाती है। वो पिंकी को शांत करती है। इसके बाद में चिंकी पिंकी को एक जादुई हेयर पिन देती है। पिंकी कहती है कि ये तो तुम्हारा है, तुम मुझे क्यों दे रही हो। जिस पर चिंकी कहती है कि असल में ये हेयर पिन तुम्हारा ही है। अब पिंकी जब हेयर पिन अपने हाथ में लेती है तभी उसमें से अजीब सी फ्लेयर्स निकलने लगती हैं। इसके बाद में पिंकी कहती है कि अभी भी उसके अंदर कोई कमी है, शायद मेरा दिल किसी को चाहता है। वो हेयर पिन को देखती है जिसमें कि किसी की यादें कैद होती हैं। इसके बाद में कहानी 500 साल पहले पास्ट में जाती है, जहां पर हम पिंकी को एक नाव पर देखते हैं। वो वहां पर जनरल को देखती है जो कि सांपों की ताकत खींच रहा होता है, जिससे कि वो शक्तिशाली बनना चाहता है और दुनिया पर राज करना चाहता है। तभी पिंकी अपने हेयर पिन से जनरल पर अटैक करती है, लेकिन जनरल उसे रोक देता है। तभी जनरल के सिपाही पिंकी पर अटैक कर देते हैं। पिंकी सबको मारने लगती है। तभी वहां पर जनरल का खास सिपाही डाइस आता है। वो पिंकी पर भारी पड़ता है। वो पिंकी को घायल कर देता है, जिससे कि पिंकी पानी में जाकर गिरती है। अब जब पिंकी को होश आता है तो वो एक कमरे में होती है। पिंकी घबराने लगती है कि वो आखिर किस जगह पर है। तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत आती है। वो पिंकी से कहती है, तुम हमें पानी में मिली थी और तुम्हें बंटी ने बचाया है। वो बताती है कि ये एक स्नेक हंटर का गांव है। बूढ़ी औरत पिंकी से उसका नाम पूछती है, लेकिन पिंकी को कुछ भी याद नहीं होता है। तभी हम बंटी को देखते हैं, जिस पर सभी स्नेक हंटर हंस रहे होते हैं, क्योंकि बंटी सांपों से डरता है और उसने आज एक भी सांप नहीं पकड़ पाया होता है। हम बंटी के पेट डॉग को देखते हैं, जिसका नाम भोली होता है। बूढ़ी औरत बंटी को बताती है कि जिस लड़की को तुम लाए हो, शायद उसकी मेमोरी लॉस हो गई, उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी पिंकी वहां पर सांपों को देखती है। वो उनकी आवाज महसूस कर रही होती है, आखिर पिंकी भी तो एक सांप ही है। इसके बाद में बंटी पिंकी से कहता है कि तुम मुझे झरने के पास मिली थी, मैं तुम्हें वहीं पर ले चलता हूँ, शायद इससे तुम्हें कुछ याद आ जाए। अब रास्ते में पिंकी बंटी से पूछती है कि तुम सांपों को क्यों पकड़ते हो, जिस पर बंटी कहता है कि वो सांपों को जनरल को देते हैं, जिससे कि जनरल उन्हें पैसा देता है। तभी बंटी का डॉग भोलू फिसल जाता है, वो खाई में गिरने लगता है, लेकिन तभी पिंकी हवा में उड़ करके उसे बचा लेती है। पिंकी भी हैरान रह जाती है कि उसके पास जादुई पावर्स हैं। बंटी पिंकी से कहता है, शायद तुम एक मैजिशियन हो सकती हो। इसके बाद में पिंकी और बंटी झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पिंकी को कुछ याद आता है। पिंकी देखती है कि उसकी महारानी ने उसे जनरल को मारने भेजा था और उन्हीं ने उसे वो हेयर पिन भी दिया था, लेकिन पिंकी यह बात बंटी को नहीं बताती है। बंटी के पास एक उड़ने वाला छाता होता है। वो पिंकी का हाथ पकड़ लेता है और उसे हवा में घुमाने लगता है। वो उड़ते हुए घने से जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर एक स्नेक बंटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पिंकी उस स्नेक पर अपने जादुई पावर से हमला कर देती है और बंटी को बचा लेती है। वहीं हम उसी स्नेक को देखते हैं जिसे पिंकी ने मारा था। वो अपनी महारानी के पास जाता है। वो बताता है कि पिंकी एक स्नेक हंटर के साथ है और उसने मुझ पर अटैक किया था, शायद पिंकी जनरल के साथ मिल गई है। तभी पिंकी की बहन चिंकी महारानी से कहती है कि उसकी बहन ऐसी नहीं है, मैं उसे वापस लेकर के आऊंगी। तभी महारानी चिंकी के अंदर कुछ फ्लेम्स को डाल देती है और कहती है कि अगर तुम 3 दिन में पिंकी को नहीं लाई तो ये फ्लेम्स तुम्हें जला करके मार देंगी। इसके बाद में चिंकी वहां से चली जाती है, लेकिन महारानी अपने सेनापति को भी पिंकी को लाने के लिए भेज देता है। वहीं हम बंटी और पिंकी को देखते हैं, जहां बंटी पिंकी के हेयर पिन पर एक नाम देखता है जो कि एक वर्कशॉप का नाम होता है। बंटी इस वर्कशॉप के बारे में जानता है। बंटी पिंकी से कहता है, ये एक जादुई वर्कशॉप है जहां पर जादुई हथियार बनाए जाते हैं। बंटी पिंकी से कहता है कि हमें इस वर्कशॉप में जाना चाहिए, वहां से हमें इस हेयर पिन के बारे में पता चल जाएगा, साथ ही तुम्हारे बारे में भी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद में दोनों वर्कशॉप की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम जनरल के सैनिक डाइस को देखते हैं, जो कि स्नेक हंटर के गांव में आया होता है। वो गांव वालों से पिंकी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन कोई भी पिंकी के बारे में उसे नहीं बताता। तभी डाइस एक बच्चे को उठा लेता है, वो उसे मारने की धमकी देता है, जिस पर गाँव वाले उसे बता देते है कि पिंकी बंटी के साथ है। जिसके बाद में डाइस अपने सैनिकों को बंटी को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। तभी डाइस बंटी के सामान को एक स्पाई बैट में बदल देता है, जिसके बाद में वो बैट बंटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हम बंटी और पिंकी को देखते हैं, जो कि एक नाव से वर्कशॉप की तरफ जा रहे होते हैं। बंटी पिंकी को एक गाना गा करके सुनाता है। पिंकी बंटी को पसंद करने लगी होती है। तभी पिंकी बंटी से कहते है कि कहीं मेरे अंदर एक डीमन हुआ तो तुम क्या करोगे, जिस पर बंटी कहता है, अगर तुम डीमन होती तो तुम जरूर कुछ ना कुछ करती। बंटी कहता है कि अगर तुम डीमन होगी तो तुम एक अच्छी डीमन होगी। तभी पानी में से
से एक सांप निकलता है। ये महारानी का सेनापति होता है। वो बंटी को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी पिंकी एक व्हाइट स्नेक में बदल जाती और वो उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इससे कि पिंकी कमजोर होने लगते, तभी बंटी पिंकी को गोद में उठा लेता है और वो उसे एक टेम्पल में ले जाता है। पिंकी का शरीर ठंडा हो रहा होता है, जिसके बाद में बंटी उसे गर्म करने के लिए आग जलाता है। इसके बाद में बंटी अपने शरीर से पिंकी को गर्म करने की कोशिश करता है। अगली सुबह पिंकी भोलू से पूछती है कि आखिर मुझे क्या हुआ था। तब भोलू कहता है कि तुम ठंडी हो रही थी, बंटी ने तुम्हें अपने शरीर से गर्मी दी है। इसके बाद में बंटी पिंकी के पास आता है। पिंकी कहती है कि तुमने मेरा असली रूप देख लिया है, मैं एक डीमन हूँ। जिस पर कि बंटी कहता है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक डीमन हो, लेकिन तुम एक अच्छी डीमन हो। इसके बाद में वो दोनों वर्कशॉप की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में डायस का स्पाई बैट बंटी के अंदर चला जाता है और इस बात की बंटी को खबर तक नहीं होती। अब दोनों वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम दो सिर वाली एक डीमन लड़की को देखते हैं। वो उस वर्कशॉप की मालिक होती है। इसके बाद में पिंकी उस डीमन गर्ल से हेयरपिन के बारे में पूछते, जिस पर वो बताती है कि ये हेयरपिन तुम्हारा नहीं, किसी ने तुम्हें दिया है। वो बताती है कि हम इस हेयरपिन की मदद से किसी की भी ताकत खींच सकते हैं। इसके बाद में पिंकी डीमन से पूछती है कि आखिर ये हेयरपिन किसका है। जिसके बाद में वो डीमन उन्हें एक स्नेक का सेल देती है। वो बताती है कि ये सेल जिस स्नेक का है, ये हेयरपिन भी उसी स्नेक का है। इसके बाद में बंटी और पिंकी उस सेल को लेकर के वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें चिंकी मिलती है, जो कि बंटी पर अटैक करती है, लेकिन पिंकी उसे रोक देती है। तभी पिंकी अपनी बहन को पहचान लेती है, वो उसे गले लगा लेती है। इसके बाद में चिंकी पिंकी से कहती है कि बंटी एक स्नेक हंटर है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इस पर पिंकी कहती है कि बंटी बुरा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। तभी चिंकी अपनी जादुई पावर से बंटी के अंदर से स्पाई बैट को निकालती है। ये देख करके चिंकी कहती है कि ये बैट जनरल का जासूस है, इसका मतलब बंटी भी उन्हीं के साथ मिला हुआ। लेकिन बंटी कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और पिंकी को भी बंटी पर भरोसा होता है। तभी चिंकी गुस्से में आकर के बंटी पर अटैक कर देती है, जिससे कि बंटी और पिंकी के नीचे एक गड्ढा खुल जाता है और वो दोनों एक गुफा में जाकर के गिरते हैं, लेकिन चिंकी अंदर नहीं आ पाती। अब गुफा में पिंकी पर एक ईगल अटैक करता है और वो उसे आग में जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंटी पिंकी को बचा लेता है और वो पिंकी को गोद में उठा करके एक दरवाजे की मदद से दूसरे रूम में आ जाता है, जहां पर डीमंस के स्केलेटन पड़े होते हैं। तभी पिंकी को सब कुछ याद आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि जनरल सांपों को पकड़कर उनकी ताकत निकालता था, इसीलिए नागरानी ने पिंकी को जनरल को मारने के लिए भेजा था। अब पिंकी बंटी से कहती है कि मैं एक डीमन हूँ, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करोगे। जिस पर बंटी पिंकी को किस कर लेता है। इसके बाद में वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं, वहां पर चिंकी भी होती है। इसके बाद में पिंकी बंटी से कहती है कि हम दोनों अलग हैं, हमें एक साथ नहीं होना चाहिए, मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारी दुनिया अलग है। जिस पर बंटी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम यहीं पर रुको। जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है। इसके बाद में पिंकी उसी मंदिर में रुकती है, वो बंटी का इंतजार करने लगती है, जिस पर चिंकी कहती है कि बंटी अब नहीं आएगा, हमें यहां से चलना चाहिए। तभी चिंकी के अंदर आग जलने लगती है, जिससे कि पिंकी समझ जाती है कि चिंकी उसे लेकर नहीं गई तो चिंकी जल्दी मर जाएगी। वही हम बंटी को देखते हैं, जो कि वर्कशॉप में होता है। वो डीमन गर्ल से कहता है तुम मुझे एक डीमन बना दो, जिस पर गर्ल उसे डीमन बना देती है, जिससे कि भोलू की पूछ बंटी में लग जाती है। अब बंटी बहुत तेज दौड़ सकता है और वो मंदिर की तरफ निकल जाता है। वही मंदिर में डायस आ जाता है, क्योंकि स्पाई बैट की वजह से उसे पिंकी की लोकेशन का पता चल गया था। इसके बाद में डायस पिंकी और चिंकी को पकड़ना चाहता है। वो बताता है कि जनरल हंटर गांव आ रहे हैं, मैं तुम दोनों को पकड़ करके जनरल को दे दूंगा, जिससे कि वो तुम्हारी ताकत भी निकाल लेंगे। इसके बाद में डायस अपनी मैजिकल रोप से दोनों को पकड़ लेता है। डायस पिंकी की हेयरपिन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हेयरपिन को पकड़ता है तो उसकी ताकत पिंकी के अंदर जाने लगती है और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। जब बंटी वहां पर पहुंचता है तो वहां पर सब कुछ बर्बाद हो गया होता है, वहां पर डायस मरा हुआ मिलता है। तभी बंटी पास के गांव में कुछ आवाजें सुनता है, वो तुरंत ही उस गांव में जाता है। जब बंटी वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक बड़ी सी सफेद पायथन है, जो कि गांव को तबाह कर रही होती है, और ये कोई और नहीं पिंकी ही होती है। इसके बाद में पिंकी वहां से चली जाती है। इसके बाद में चिंकी बंटी की पूछ देख लेती है। चिंकी बंटी से कहती है कि अब तुम हमारी तरह हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनरल डायस की पावर्स की वजह से पिंकी एक बड़े से पायथन में बदल गई है और वो जनरल को मारने के लिए तुम्हारे गांव की तरफ गई है। वो वहां पर जाकर के सभी गांव वालों को भी मार देगी। अब बंटी डर जाता है, वो समझ जाता है कि पिंकी अपने होश में नहीं, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। अब बंटी तुरंत ही अपने गाँव जाता है और सबको अलर्ट करता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा पायथन आ रहा है, लेकिन कोई भी गाँव वाला उसकी बात नहीं सुनता। तभी यहाँ पर जनरल आ जाता है। वो बंटी
बंटी को पकड़ लेता है। वो सबके सामने बंटी की पूंछ बाहर निकाल देता है। इससे सब बंटी से कहते हैं कि तुम खुद एक डीमन हो, तो हम तुम पर भरोसा क्यों करें। जिसके बाद में बंटी जनरल से कहता है कि वो पिंकी को शांत कर देगा, इसलिए वो उसे छोड़ दे। जिसके बाद में जनरल बंटी को छोड़ देता है। इसके बाद में बंटी पिंकी के पास जाता है। वो पिंकी से कहता है कि मैं भी एक डीमन बन गया हूँ, अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये सुनकर के पिंकी शांत हो जाती है। लेकिन तभी जनरल पिंकी को अपनी मैजिकल मशीन से पकड़ लेता है। तभी चिंकी पिंकी को बचाने आती है, लेकिन जनरल उसे भी पकड़ लेता है, साथ ही वो बंटी को भी पकड़ लेता है। इसके बाद में जनरल मशीन की मदद से चिंकी पिंकी और बंटी की आत्माओं को बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ पर नागरानी आ जाती और वो सभी को आज़ाद करा देती है। जिसके बाद में चिंकी हेयरपिन जनरल की पीठ में जाकर के गाड़ देती है, जिससे कि जनरल की पावर्स नागरानी के अंदर जाने लगती है। लेकिन जनरल की पावर्स की वजह से नागरानी भी बुरी बन जाती है। अब चिंकी हेयरपिन देने के लिए जब नागरानी के पास जाती है, तो वो चिंकी की ही पावर्स को खींचने लगती है। ये देख करके पिंकी को बहुत गुस्सा आता है, वो नागरानी से लड़ने लगती है। नागरानी सारे सांपों की पावर्स अपने अंदर खींच लेती और वो बहुत ही ताकतवर हो जाती है। अब नागरानी पिंकी को पकड़ लेती और वो उसकी पावर्स भी लेने लगती है। तभी बंटी जनरल की मशीन की मदद से नागरानी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी उस जगह पर एक बर्फ का बड़ा सा तूफान आ जाता है, जिसके बाद में बंटी पिंकी को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बंटी खुद बर्फ में जम जाता है। ये देखकर के पिंकी रोने लगती है। तभी मशीन की वजह से नागरानी और सभी सांपों की आत्मा निकल करके जाने लगती है। अब बंटी की आत्मा भी बाहर जाने लगती है, लेकिन पिंकी बंटी की आत्मा को हेयरपिन में कैद करके बचा लेती है। इसके बाद में कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पिंकी चिंकी से कहती है कि अब तो बंटी ने पुनर्जन्म ले लिया होगा। वो दोनों एक गाँव में जाती हैं। तभी पिंकी का हेयरपिन गिर जाता है, जिसे एक सुंदर सा लड़का उठा लेता है और वो कोई और नहीं बंटी होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वो हेयरपिन पिंकी को वापस करता है। पिंकी बंटी को देख करके बहुत खुश होती है। और इसी के साथ में इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।